हेलो दोस्तों, स्वागत है आयुर्वेदिक टिप्स विद शिवानी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। दोस्तों, महिलाओं को अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन्हीं में से एक है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीजेस भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह अमूमन महिलाओं को होने वाली आम बीमारी है। आजकल किशोरियों को भी इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार 6 से 10% महिलाएं इसकी चपेट में हैं। आज हम बात करेंगे इस बीमारी के लक्षण और उपचार के बारे में। महिलाओं को यह बीमारी प्रजनन हार्मोन्स के संतुलन में ना रहने के कारण और मेटाबॉलिज्म खराब होने पर होती है। हार्मोन्स असंतुलन होने से मासिक धर्म प्रभावित होता है। सामान्य स्थिति में हर माह पीरियड्स के बाद ओवरी में अंडाणुओं का निर्माण होता है और बाहर निकलते हैं। पीसीओएस की स्थिति में ये अंडाणु ना तो पूरी तरह से विकसित हो पाते हैं और ना ही बाहर निकल पाते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, अनियमित पीरियड्स या फिर बिल्कुल बंद हो जाना, योनि से अधिक मात्रा में रक्त स्राव होना और अधिक समय तक रक्त स्राव होना, तैलीय त्वचा व चेहरे पर कील मुहांसे आना, शरीर के कुछ हिस्सों की त्वचा मोटी हो जाना, मुख्य रूप से ऐसा गर्दन, बगल में और पेट पर जांघ के बीच के हिस्सों में होता है। जांघ, पेट, छाती व चेहरे पर तेजी से बाल बढ़ने लगेंगे। टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। वजन बढ़ना शुरू हो सकता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान गांठ जैसी चीजें अधिक मात्रा में नजर आएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं पीसीएस को ठीक करने के उपायों के बारे में। दोस्तों, दालचीनी, अगर 1 चम्मच दालचीनी को 1 ग्लास गर्म पानी के साथ लिया जाए तो इंसुलिन के स्तर को बढ़ने से रोका जा सकता है। अलसी, अलसी के बीजों को पीसने के बाद 1 से 2 चम्मच पाउडर को 1 ग्लास पानी में डालकर पी लीजिए। इससे एंड्रोजन हार्मोन्स में कमी आती है। पुदीने की चाय, पुदीने की चाय एंटी एंड्रोजन का काम करती है। इसे पीने से पीसीओएस में राहत मिलती है। इसे बनाने के लिए पानी में पुदीने की सूखी पत्तियां डालकर उबाल लें और फिर छान कर पी लें। मेथी, यह शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ने से रोकती है, हॉर्मोन्स को संतुलित करती है और मेटाबॉलिज्म में सुधार लाती है। आप 3 चम्मच मेथी के बीजों को 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें और फिर इन्हें पीसकर शहद के साथ दिन में 3 बार लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। मुलेठी, यह एंड्रोजन का काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है और मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहतर करती है। प्रतिदिन सूखी मुलेठी को 1 कप गर्म पानी में उबालकर पीने से काफी लाभ मिलता है। धन्यवाद।